वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, पहले हमारा टॉपिक समझते हैं कि प्रोग्रामिंग जो आप कर रहे थे उसमें एरर आता है, तो एरर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों आता है, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले समझिए, एरर को आप क्या समझते हैं, एरर क्या है? एरर कोई वायरस है? नहीं, एरर इज नॉट ए वायरस, एरर इज नॉट ए इंसेक्ट, एरर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, एरर कोई वायरस नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं एरर क्या है। एक सॉफ्टवेयर है, समझिए। अब आप हंस रहे होंगे, एरर सॉफ्टवेयर कैसे हो सकता है? अब आपको मैं एक कंपैटिबिलिटी बताते रहेंगे कि एरर सॉफ्टवेयर क्यों है, ठीक है? देखिए, मान लीजिए कि चावल किसी का खाना है, रोटी किसी का खाना है, बर्गर किसी का खाना है। सपोज कि जो बर्गर खाता है, क्या वो रोटी चावल खा सकता है क्या? एक दो दिन खा सकता है, डेली खा सकता है क्या? नहीं। जैसे कोई चावल खाता है, डेली का चावल आप खा रहे हैं, तो क्या रोटी डेली खा सकते हैं क्या आप? नहीं ना, आप एक दो दिन रोटी खा सकते। तो जिसकी जो हैबिट होती है वो वही पसंद करता है, यानी जो जिसको इन्फॉर्मेशन में ले लिया गया है। जैसे चावल खाने वाले को पता है कि चावल ही खाना है मेरा, रोटी खाने वाले को पता है कि रोटी ही मेरा खाना है, एक बर्गर खाने वाले को पता है कि मेरा बर्गर खाना है, तो और कुछ आप कुछ भी बोलेंगे वो नहीं मानेगा उस चीज़ को। तो जो अगर चावल खाने वाले को रोटी देना शुरू कर दीजिए, तो रोटी ही वो एरर है उसके लिए। ओकेजनली नहीं, लेकिन आप रेगुलर बेस पे देंगे तो उसे एरर मानेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो हम चाहते हैं और जो हमें मिलता है, इन दोनों के डिफरेंस को ही एरर कहते हैं। एग्जांपल समझते हैं, हम सब लोग हाई स्कूल इंटर में, आपने 10th और 12th में सोचा होगा, 12th में सब कोई सोचता है कि मेरा 90, 98, 88, 89 आएगा परसेंटेज, आता है 60। तो जो अगर 80 से परसेंटेज की उम्मीद थी आपको और 60 आ रहा है, तो जो 80 to 60 आ पाए, और ये जो गैप हो रहा है, कितना गैप हो रहा है? 80 - 60, 20 का गैप हो रहा है। तो 20 is the error। तो एरर की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है कि जो एक्चुअल होता है और जो एक्सपेक्टेड होता है, इनके डिफरेंस ही है हमारा एरर का। वैसे तो एरर को लोग बहुत तरह से डिफाइन करते हैं, ओरिजिनली यही है। और एरर सबसे पहले तो एरर कोई वायरस नहीं है, तो आइए डिफाइन करते हैं इसको। तो क्या हुआ, इट इज अ डिफरेंस और डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड, ठीक है? एंड एरर इज अ मिस्टेक, मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग और द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऑन द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर। एरर क्या होता है कि एक मिस्टेक हो सकती है उसकी, कहीं पे गलती हो गई, कोई छूट गया, कोई आप गलती से लिख गए, कोई बिना समझे लिख दिया, तो वो सब चीजों को हम एरर बोलते हैं, क्योंकि उससे भी कुछ ना कुछ होता है और उसके होने से ही उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसी इम्पैक्ट को आप एरर बोल देते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एरर के फॉर्म में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। एरर को लोग, कई लोग रॉन्ग बोलते हैं, बग बोलते हैं, फेलियर बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है? तो रॉन्ग क्या है पहले समझते हैं। रॉन्ग क्या है? जब कोई भी चीज प्रॉपर मैनर में आपको ना मिले, नाक से खाना खिलाया जाए आपको, मुंह से खाना खाते है ना, ये रॉन्ग है। When the requirement are implemented in the not in the right way, जब कोई भी रिक्वायरमेंट आप पूरा कर रहे हैं और उसे आप तरीके से नहीं पूरा कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं, तो उसे रॉन्ग है। बग क्या है? बग इज द रिजल्ट ऑफ कोडिंग एरर। जब आप किसी कोडिंग में गलती करते हैं और वो जो जनरेट कर देता है एरर कंपाइल होने के बाद, उसको हम बग कहते हैं। फेल्योर क्या है? फेल्योर is the inability of a software system or component to perform its required function within specified performance requirement. शुद्ध भाषा में समझाते हैं आपको, फेल्योर क्या है? फेल्योर वो चीज है जिससे आपका कोई डिजेबल हो जाए, सपोज मेरे हाथ काम करना बंद कर दे, फेल्योर हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से या किसी दूसरे की वजह से दूसरा पार्ट खराब हो जाए, उससे हम फेल्योर बोलते हैं, स्टॉप कर जाता है फेल्योर केस में। फॉल्ट क्या है? फॉल्ट एक आपका इनकरेक्ट स्टेप्स हो सकता है, प्रोसेस और डेटा हो सकता है, डिफाइन हो सकता है। जो अगर कोई गलती से डिफिनेशन आप गलत कर दिए, कोई प्रोसेस को डिफाइन गलत कर दिए, डेटा यूज कर दिए गलत आप किसी प्रोग्राम के थ्रू, तो इसको हम लोग फॉल्ट का फॉर्मेशन बोलते हैं। क्योंकि जब आप कोई गलत चीज़ यूज करोगे तो डेटा रिजल्ट उसका गलत ही आएगा ना, तो उसी को हम लोग फॉल्ट बोलते हैं, मिस्टेक इसको आप समझते हैं। आइए बात करते हैं एरर के जो टाइप होते हैं वो समझते हैं और सिंटेक्स क्या होता है। एरर क्या है दूसरी भाषा में बात कर लेते हैं। एरर एक रिलेटिंग, एरर जो टर्म है, एरर टर्म कहाँ यूज होता है? रिलेटिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये टर्म यूज किया जाता है।
उस आप प्रोग्रामिंग में क्या यूज किया था, तीन तरह के एरर यूज किया था, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर और कंपाइल टाइम। ठीक है, लॉजिकल एरर क्या होता है, एरर इन द प्रोग्रामिंग लॉजिक, लॉजिकल का नाम से क्लियर है ना, एरर इन द प्रोग्रामिंग लॉजिक। रन टाइम क्या है कि एरर नहीं है कंपाइल करते वक्त, लेकिन जब रन कर रहे हैं तो आपको एरर आ रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर लॉजिकल एरर का एक एग्जांपल समझते हैं जरा हम। तो लॉजिकल एरर की जो अगर बात करूं तो मान लीजिए किसी ने बोला कि आप दो नंबर को जोड़ो, तो दो नंबर को जोड़ने का लॉजिक क्या हुआ, सी इक्वल टू ए प्लस बी। आपने क्या कर दिया, सी इक्वल टू ए माइनस बी कर दिया, तो आपने क्या गलती की बताइए, प्लस की जगह क्या लगा दिया, माइनस। दिस इज योर लॉजिक मिस्टेक। अब ये लॉजिकल मिस्टेक, इसको लॉजिकल एरर बोलते हैं। ठीक है ना, इस पे प्रोग्राम चलता है, ध्यान रखिएगा, एन आर आउटपुट देगा, कुछ ना कुछ देगा। रन टाइम एरर क्या होता है या एक्सेप्शन क्या होता है, पहले वो समझते हैं। रन टाइम एरर क्या होता है कि जैसे प्रोग्राम आपने लिख दिया, सपोज करो किसी ने बोला कि दो नंबर को डिवाइड करो, और आपने ऊपर माना ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 0, और लिखा सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, आपने लिखा। तो सपोज करिए सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी लिखे हैं, तो ए की वैल्यू 5 थी, अब बी की वैल्यू क्या थी, 0 ना। 5 बाई 0 जो डिवाइड करना होगा क्या, नहीं होगा ना। लेकिन ये एरर नहीं है, एरर नहीं है तो कंपाइल टाइम ये कर ले जाएगा, कंपाइल को पास कर ले जाएगा, कंपाइलर में एरर नहीं दिखाएगा। लेकिन जब रन होगा तो इसका आंसर नहीं मिल पाएगा उसको, क्योंकि कंप्यूटर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा 5 डिवाइड बाई 0 का आंसर क्या होता है। जब नहीं डिवाइड कंप्यूटर दे पाएगा तो इसे एक्सेप्शन बोलो या रन टाइम में गलती बोलो, तो इसी को रन टाइम एरर बोलते हैं। अब आपको उसको तरीके समझते हैं, जहां पर प्रॉपर तरीके से इसको डिफाइन किया गया, फिर से उसी चीज को। तो कह रहा है सिंटेक्स एरर आर डिटेक्टेड एट द कंपाइल टाइम। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, कंपाइल टाइम में सिंटेक्स को एरर को डिटेक्ट करता है कंपाइल टाइम, सिर्फ सिंटेक्स मिस्टेक को चेक करेगा कंपाइलर, जैसे मिसिंग सेमी कॉलम, मिसप्लेनिंग, मिसस्पेलिंग, कोई गलती से कुछ नाम लिख दिया, ड्राइव को कुछ और लिख दो, ठीक है ना, प्रिंटर को कुछ और लिख दो आप। रन टाइम एरर आर व्हेन अ कंप्यूटर इज आस्क्ड टू डू समथिंग इलीगल, जैसे बोला था ना डिवाइड बाई जीरो कर दो, तो वो कुछ गलत आप कर रहे हो और उसका आंसर आप मांग रहे हैं गलत का, तो उसको हम लोग रन टाइम एरर। ठीक है, अब आपको लॉजिकल एरर ऑकर व्हेन वी फेल टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ एक्यूरेटली, लॉजिक में जब गलती करते हैं तभी आपको लॉजिकल एरर आएगा। टेल समवन टू टर्न लेफ्ट बट वी मीन टू से राइट, आप कहते हैं कि किसी को कुछ बोलते हैं, अरे तुम टर्न लेफ्ट हो जाओ, और इशारा कर रहा है राइट की तरफ, तो क्या हुआ, आपने गलती की ना। दिस इज द लॉजिकल एरर, डिटेक्ट बाई इनकरेक्ट आउटपुट, कुछ आप गलती बोल जाए। यूज टेस्ट डेटा टू कंपेयर आउटपुट विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कुछ दूसरा उल्टा पुल्टा डिस्कस कर रहे हैं। डेस्क चेकिंग, रीडिंग कोड केयरफुली, ठीक है ना, री रीडिंग केयरफुली। तो मतलब ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके प्रोग्रामिंग एरर के, एग्जाम्पल समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू। ये देखिए प्रोग्राम का हमने स्क्रीनशॉट कराया हुआ आपके सामने, देखिए देखिएगा, दो नंबर लिया, n1 n2 लिया, यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0, यहाँ a की वैल्यू 0 लिया है, a की वैल्यू 0 लिया है ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, यहाँ इसका सबके साथ इंट लगा हुआ ना, इंट सम, इंट n, इंट n2, लेकिन इंट a लिखा गया था, नहीं ना, नहीं लिखा गया ना, ये अनडिफाइंड सिंबल एक तरह से एरर आएगा। एरर क्या आएगा, अनडिफाइंड, कब आएगा, कंपाइल टाइम पे, कंपाइलर जब इसे चेक करेगा तभी एरर प्रोड्यूस करेगा। तो इस टाइप के एरर को हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि यूजर बताना भूल गया है और ये सिंटेक्स की मिस्टेक है, वहाँ इंट ए इज इक्वल टू 0 लिखा तो सही था, तो ये कंपाइल टाइम एरर का एग्जांपल है आपके सामने स्क्रीन पर। आगे बढ़ता हूँ, आप देखिएगा लॉजिकल एरर की जो बात बोल रहे थे या रन टाइम एरर की, दोनों यहाँ पे यूज हो जाएगा। आपको डिवाइड करना था, आपने देखिए यहाँ पे क्या लिखे हो, एन डिवाइड बाई 0 लिखे, नहीं लिखे, तो ये कंप्यूटर पास कर ले जाएगा, कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल में कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन जब रन होगा तो एन डिवाइड बाई 0 की वैल्यू मिलेगी नहीं इसको, क्योंकि डिवाइड होता ही नहीं डिवाइड बाई 0 से। तो ये रन टाइम एरर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाया, यहाँ इस पर करके आपको समझा दिया। ठीक है, आप देखिए सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ये सबसे बड़ी चीज होती है प्रोग्रामिंग में समझना। सोर्स कोड जो हम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कोड जो कंप्यूटर क्रिएट करता है कंपाइल होने का, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं, अब सोर्स कोड इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्म पे बनाया जाता है, टेक्स्ट जो होता है ना उसपे बनाया जाता है। सोर्स कोड इज ए ह्यूमन रीडेबल कोड, जो आप खुद लिखते हैं खुद ही पढ़ सकते हैं। सोर्स कोड इज जनरेटेड बाय द ह्यूमन और प्रोग्रामर, सोर्स कोड प्रोग्रामर या ह्यूमन बनाता है।
सोर्स कोड इज रिसीव कंपाइलर एज इनपुट, सोर्स कोड जो होता है कंपाइलर लेता है उससे इनपुट के रूप में। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, अब जो आउटपुट बन गया ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट कोड इज द फॉर्म ऑफ द बाइनरी नंबर, जैसे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कोड इज इन द मशीन रीडेबल फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट कोड यूजर नहीं पढ़ सकता है, मशीन के फॉर्मेट में होता है। ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड बाय द कंपाइलर, ये कंपाइलर जनरेट कराता है। ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड बाय कंपाइलर एज ए आउटपुट, आउटपुट के फॉर्म में जो होता है वो इनपुट था सोर्स कोड वाला, ये आउटपुट है, समझने की बात है। ये डायग्राम से हमने समझाया हुआ, ये आपके टॉपिक में था कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होते हैं, पहले समझाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब कमेंट कैसे लिखा जाता है ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रामिंग में कमेंट, कमेंट क्या होता है पहले समझ। कमेंट वो एक लाइन होती है, एक वर्ड होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं जो यूजर चाहता है कि प्रोग्राम में मैं लिखूं हम अपनी लॉजिक को याद रखने के लिए, और लेकिन कंपाइलर उसे ना पढ़े, तो कमेंट को लिखते हैं। जब सिंगल लाइन कमेंट लिखा जाता है तो उसमें सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है, देखिएगा ये दो स्लैश लिखते हैं, फ्रंट स्लैश बोलते हैं उसको, फ्रंट स्लैश के बाद कुछ भी एक लाइन में लिख देंगे तो वो कमेंट हो जाएगा, और कंप्यूटर इस लाइन को नहीं पढ़ेगा, जहां पर दो स्लैश फ्रंट स्लैश आ जाएगा। अब आप बोलते हैं सर इसी के आगे दो लाइन और लिख दूं तो नहीं, वो पहली लाइन सिर्फ नहीं पड़ेगा, दो लाइन पड़ेगा, ये सिर्फ फ्रंट स्लैश का मतलब होता है सिर्फ दो ही लाइन को छोड़ता है, सॉरी एक ही लाइन को छोड़ता है, एक लाइन के बाद जो भी आएगा वो सबको काउंट कर लेगा, प्रोग्रामिंग का पार्ट माना जाएगा। अब आप बोलते हैं सर हमें कई सारी लाइन एक साथ कमेंट करनी हो तो उसको बोलते हैं इस तरह से स्ट्रिक्ट कमेंट। देखिए स्लैश फ्रंट स्लैश स्टार और कम लिखना चाहिए, लिखते जाए लिखते जाए, जहां बंद करना है फिर स्टार और बैक स्लैश, देखिए यहाँ शुरू किया यहाँ पर खत्म कर दिया, तो ये मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट मल्टी लाइन कमेंट, कमेंट प्रोग्रामिंग में इसीलिए लिखा जाता है ताकि अपना डिस्क्रिप्शन लॉजिक यूजर या प्रोग्रामर अपना याद करके रखे, लेकिन इसे कंप्यूटर का पार्ट नहीं माना जाता, प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं माना जाता, ठीक है। अब ये तो था हमारा बेसिक एरर के बारे में डिस्कस, जो आज के टॉपिक थी। अब अगले टॉपिक में हम जाएंगे थोड़ा प्रोग्रामिंग के ऊपर और आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग के एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग, और इसी तरह से देखते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।